आज मैं बताऊंगा कि फोटोशॉप पर इस तरह के डिजाइन कैसे बनाते हैं और इसको डिजाइन करने के लिए कितने शॉर्टकट का यूज होता है। तो मैं हूं गुफरान टाइपिस्ट और आप देख रहे हैं स्किल नॉलेज। वीडियो को पहले ही कर दीजिए लाइक और मैं वीडियो को शुरू करता हूं। देखिए दोस्तों, अभी हम अपनी होम स्क्रीन पर आ चुके हैं। दोस्तों, फोटोशॉप ओपन करने के कई तरीके हैं। अगर आपके टेस्क बार में फोटोशॉप है तो इस पर क्लिक करके फोटोशॉप ओपन कर सकते हैं। अगर आपको फोटोशॉप नहीं दिख रहा है तो विंडो की को प्रेस करना है, इसके बाद फोटोशॉप टाइप करना है। तो अगर आपके कंप्यूटर में फोटोशॉप इंस्टॉल है तो यहाँ पर सर्च में आ जाएगा, इस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम एस्केप को प्रेस करके बाहर आ जाते हैं। इसे ओपन करने के लिए एक और तरीका है, विन प्लस आर को प्रेस करना है, इसके बाद यहाँ पर फोटोशॉप लिखना है, अब सिंपली इंटर को प्रेस कर देना है। तो दोस्तों, इस तरह से भी फोटोशॉप ओपन कर सकते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले टूल बॉक्स के बारे में जानेंगे। देखिए, अभी हम सबसे पहले विंडो मेनू पर क्लिक करते हैं, इसके बाद यहां पर टूल्स का ऑप्शन है तो हम इसको अनचेक कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो टूल बॉक्स था वो रिमूव हो चुका है। बताने का मतलब ये है कि बाय द वे, अगर आपके फोटोशॉप में टूल बॉक्स नहीं आ रहा है तो सिंपली विंडो मेन्यू पर क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पर टूल्स पर चेक कर देना है, बस आपके फोटोशॉप पर टूल बॉक्स आ जाएगा। ओके, तो आज हम बढ़िया सी डिज़ाइन करना सीखेंगे। सबसे पहले हम एक न्यू ब्लैंक पेज लेंगे। तो न्यू पेज ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस एन यानी कि कंट्रोल एन को प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर आपको अपने हिसाब से पेज का साइज चॉइस कर लेना है। जैसे अभी हम किसी भी पेज साइज को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद ओके या इंटर को प्रेस करना है। अब ये एक ब्लैंक पेज ओपन हुआ। दोस्तों, अगर आपके फोटोशॉप पर लेयर ओपन नहीं है तो विंडो मेन्यू पर क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पर देखिए लेयर्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके लेयर ओपन कर सकते हैं। लेकिन नहीं, अभी हम शॉर्टकट का यूज करके लेयर ओपन करना सीखेंगे। तो देखिए, Alt प्लस F7 यानी कि Alt के साथ F7 को जब प्रेस करेंगे तो लेयर ओपन हो जाएगा। अगर दोबारा Alt F7 प्रेस करेंगे तो लेयर रिमूव हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। दोस्तों, यहां पर देखिए हमारी लेयर लॉक है, हमें इसे अनलॉक करना है। तो इस पर डबल क्लिक करना है, उसके बाद यहां पर ओके कर देना है, बस हमारी लेयर अनलॉक हो चुकी है। इसके बाद अब हम टूल बॉक्स की तरफ चलते हैं। इसमें पेन टूल पर राइट क्लिक करना है, इसके बाद यहां पर पेन टूल को सिलेक्ट कर लेना है। पेन टूल लेने के बाद इस बॉक्स के ऊपर यहां पर एक बार क्लिक करना है, इसके बाद नीचे वाले कोने पर क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है, इसके बाद ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद टूल बॉक्स में पेन टूल पर राइट क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पर ऐड एंकर पॉइंट टूल को सिलेक्ट करना है, इसके बाद इस लाइन के सेंटर में क्लिक करना है। इसके बाद देखिए, इसको अपने हिसाब से इस तरह से बढ़िया सा गोल गोल कर लेना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इतना करने के बाद कंट्रोल प्लस इंटर यानी कि कंट्रोल के साथ इंटर को प्रेस करना है। तो यहां पर देखिए, इतना एरिया सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद ऊपर लेयर मेनू पर क्लिक करना है। अब यहां पर न्यू फिल लेयर पर आना है। यहां पर तीन तरह के कलर ऑप्शन आपको मिलेंगे। फिलहाल अभी हम ग्रेडियंट पर क्लिक कर देते हैं, इसके बाद यहां पर ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर व्हाइट कलर पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बहुत सारे कलर आ चुके हैं। हर एक कलर पर क्लिक करके आप ट्राई करके देखिए, जो कलर आपको अच्छा लगे उसी पर ओके करना होगा। जैसे अभी हम फर्स्ट कलर को सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद ओके कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर एंगल ऑप्शन दिया गया है। जैसे अभी हम इसका एंगल घुमाते हैं तो जिस हिसाब से आप इसको घुमाएंगे उस तरह का चेंजेस यहां पर देखने को मिलेगा।
इसके बाद सिंपली ओके कर देना है। तो यहाँ तक इतनी बात आप समझ चुके होंगे। अब अगर आपको इसी पेज पर कोई दूसरा इफेक्ट देना है तो ऐसे नहीं कर सकते हैं जब तक एक न्यू लेयर इंसर्ट नहीं करेंगे। जैसे देखिए अभी हम एक न्यू लेयर ऐड करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन यानी कि कंट्रोल शिफ्ट एन को प्रेस करते हैं। इसके बाद सिंपली ओके या इंटर कर देना है। तो दोस्तों अब आप इस पर दूसरा इफेक्ट भी दे सकते हैं। जैसे देखिए अभी हम टूल बॉक्स में पेन टूल पर राइट क्लिक करके पेन टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद इस कोने पर क्लिक करना है, फिर नीचे यहाँ पर क्लिक करना है, लास्ट में उसी पॉइंट पर क्लिक करके मिला देना है। अब यहाँ पर एक लाइन दिख रही है। इसके बाद टूल बॉक्स में पेन टूल पर राइट क्लिक करना है। अब यहाँ पर ऐड एंकर पॉइंट टूल को सिलेक्ट करना है। इसके बाद इस लाइन के सेंटर में क्लिक करना है। अब इसको अपने हिसाब से गोल करके सेट करना है। इसके बाद टूल बॉक्स में पेन टूल पर राइट क्लिक करके पेन टूल सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ऊपर इस कोने पर क्लिक करना है। इसके बाद पेन टूल पर राइट क्लिक करके ऐड एंकर पॉइंट टूल को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इस लाइन के सेंटर पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए इसको इस तरह से बढ़िया सा सेट करना है। इसके बाद कंट्रोल प्लस इंटर यानी कि कंट्रोल के साथ इंटर को प्रेस करना है। इतना करने के बाद लेयर मेनू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर न्यू फिल लेयर पर आना है। इसके बाद यहाँ पर ग्रेडियंट पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर व्हाइट कलर पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर येलो कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर आप लाइनर या एंगल को अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम ओके कर देते हैं। तो दोस्तों अब ये डिज़ाइन पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। ये डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।